वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, मतलब हमारा जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखकर किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, अभी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखने से पहले अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली जो वीडियोज रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है वो हम देखेंगे और फिर किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करने, एग्जाम्पल सॉल्व भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में हमारा जो मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, देखिए अभी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1x plus b1y equal to c1 एंड a2x plus b2y equal to c2। ठीक है, तो यहाँ पर जो a1 a2 b1 b2 है ये जो है वो कोएफिशिएंट्स है x और y के, और c1 और c2 क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से लिखा जाता है इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन मैट्रिक्स क्या लिखूंगा, जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं उस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1 b1 a2 b2। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर यहाँ पर हम दूसरा मैट्रिक्स जो लगेगी उसके बाद में वो लिखेंगे वेरिएबल का मैट्रिक्स, कौन कौन से वेरिएबल है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, और फिर इक्वल टू यहाँ पर जो मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। ठीक है, c1 c2। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यही इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने इस तरह से लिखे। देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ, मतलब देखिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टू वेरिएबल इन टू इक्वेशंस किस तरह से लिख देते। ठीक है, अभी देखेंगे थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल, तो सेम टू सेम है यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, उसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। फिर इसके बाद में लिखेंगे हम ये हमारा जो होता है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, तो वेरिएबल कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, और इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है d1 d2 और d3। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 d1 ये जो सारे है कुछ भी नंबर हो सकते हैं, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखने हैं थ्री क्वेश्चन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, अभी हम देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो जो हम मतलब जो मेथड देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है, उसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो देखिए किस तरह से इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, नीचे मैंने स्टेप लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन इक्वेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमें एक इक्वेशन याद में रखना है, ए है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या होता है, देखिए ए वो होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर हमारा जो एक्स होता है वो होता है हमारा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल जैसे हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है, और हमारा जो बी होता है यहाँ पर वो बी होता है हमारा मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसे देखिए हमारा यहाँ पर है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसे हम अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू बी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी वेरिएबल की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी, मतलब जो हमारा जो एक्स है वो होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, इसे हम लेफ्ट में रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो ए है वो इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, और यहाँ पर पहले ही बी है वो बी एज इट इज लिख देंगे। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर याद रखना है,
जब भी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करेंगे तो इसे जो इक्वेशन है वो रहेगा इक्वेशन हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, यही इक्वेशन का यूज़ करके हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो पहला देखिए क्या स्टेप है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब जो हमें इस तरह से इक्वेशन दिए रहेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे थ्री इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर टू इक्वेशन दिए, इस तरह से जो इक्वेशन रहेंगे हमें इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने, इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखने मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये पहली स्टेप है। फिर देखिए नेक्स्ट डिटरमाइन द ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों फाइंड आउट करनी है, देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, b की वैल्यू पता होती है, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है और x की वैल्यू मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे सेकंड स्टेप में। फिर देखिए पुट द वैल्यूज इन द x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो इक्वेशन रहेगा हमारा फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स फाइंड अननोन। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो मेथड, जो मतलब हमारा जो हमें पता है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों के मन में कुछ बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, कुछ समझ में भी ना आया होगा, लेकिन जब अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल जब एग्जांपल सॉल्व करते तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो तीनों की चारों की चारों स्टेप्स है वो नीचे यहाँ पर ला लेता हूँ, ताकि हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसकी हमें काफ़ी मदद हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो साथ में हम एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली जो गिवन इक्वेशंस है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन, गिवन दो इक्वेशन है हमारा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व द इक्वेशन, मतलब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करके हमें एक एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए अभी जो गिवन इक्वेशंस है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इक्वेशंस क्या है हमारे, 5x + y = 13 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x + 2y = 5। ठीक है, तो देखिए x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए, इस तरह से हमें यहाँ पर ये इक्वेशंस लिख लेने हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से लिख दे। अभी पहला स्टेप जो है हमारा, देखिए यहाँ पर पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पर लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर पहला होता है हमारा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट है यहाँ पर 5 1 3 2, वाई के साथ में कुछ नहीं मतलब वन होता है, तो 5 1 3 2, इस तरह से कोएफिशिएंट लिख दे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर वेरिएबल है पहला x और दूसरा y, यहाँ पर लिख दे और इक्वल टू लास्ट में कोई जो कांस्टेंट है 13 और 5 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, हमारा ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम इसे सिम्बॉल में लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इन सिम्बॉल या फिर इन इक्वेशन, इन सिम्बॉल क्या हो जाएगा, पहला होता है हमारा ए होता है मैट्रिक्स, ए होता है ए, फिर जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होता है वो होता है हमारा एक्स और इज इक्वल टू ये कांस्टेंट वाला होता है बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करना है वेरिएबल, इसीलिए हम क्या करेंगे ए को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स बी, इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों हमारे पास एक्स की वैल्यू पता है एक्स और वाई, बी की वैल्यू पता है 13 और 5 है, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो इनवर्स फाइंड आउट करने की मेथड देखी थी वही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें पता है, तो वो फार्मूला यहाँ पर हम सिंपली पुट कर देंगे और स्टेप्स भी है, स्टेप्स में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है, इसलिए ए इनवर्स का फार्मूला आता है 1/mod(a)(adjoint)ऑफ
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। यहाँ पर हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू चाहिए और एडजेंट ऑफ ए की। तो मॉड ऑफ ए पहले फाइंड आउट कर लेते। मॉड ऑफ ए देखिए यहाँ पर क्या है, तो ए की वैल्यू क्या है, 5132। तो 5132 इसे मॉड में लिख देंगे, 5132। ए हो गया हमारा मॉड ऑफ ए इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 10, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3। 10 -3 हो जाएगा यहाँ पर 7। तो हमारी जो वैल्यू आ गई है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 7 आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू को हम कर देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि लास्ट में हमारी यूज़ में रहेगी। अभी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए होता क्या है, तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए मतलब दो जो हमें को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, किसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो मैट्रिक्स ए है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, उसका को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर तो को फैक्टर्स ऑफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू, मॉड ऑफ ए की भी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फिर बार बार ऊपर ऊपर लिखने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉड ऑफ ए के को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन पता होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पहला यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और यहाँ पर फिर ये प्लस। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, पहले साइन दे दिए। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने जो एडजॉइंट फाइंड करने का था मेथड था, वो पूरा कम्प्लीटली एकदम एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ठीक है, तो वहाँ पर देख सकते थे कि C11 क्या करेंगे। अभी C11 में तो देखिए C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है 5, तो 5 का रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, तो +2 मतलब होता है 2। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। इसे रफ करेंगे, इसे रफ करेंगे तो बचेगा 3। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3, तो ये -3 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये होगी -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 2, तो ये रो और क्या 2 कैंसिल हो जाएगा कॉलम, तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, +5 मतलब होता है 5। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स हम P से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए को फैक्टर्स लिखेंगे 2 -3, 2 -3, -1 5, -1 5। ठीक है, लिखते वक्त ध्यान रखना है सेकेंड और सेकेंड रो कॉलम का जो टर्म रहेगा वो टर्म वहीं पर लिखना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का टर्म वहीं पर लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वहीं पर लिखना है। ठीक है, अभी देखिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना था, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ पी, मतलब जो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स होते हैं उसका ट्रांसपोज होता है। तो उसका ट्रांसपोज हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा पहला रो है 2 -3, तो इसे कॉलम करेंगे 2 -3 और यहाँ पर ये -1 5, रो के कॉलम बना देंगे, हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसी की वैल्यू आ गई, तो इसे हम करेंगे थोड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हमने क्यों फाइंड आउट की है, क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन 2 है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और उसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है हमारा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए की वैल्यू देखिए हमारी हमने फाइंड आउट की थी, वो आ गई है 7। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तो हमारे सामने ही है 2 -1 -3 5। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसे कैंसिल कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अभी जो ए इनवर्स की वैल्यूज है उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन यहाँ पर लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स मतलब मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है हमारा एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू तो पता है हमें, वन अपॉन सेवन इंटू टू माइनस वन माइनस थ्री फाइव, और इंटू बी मैट्रिक्स बी मतलब जो मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है हमारे थर्टीन और फाइव है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर थर्टीन और फाइव हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोई सॉरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर ये एज इट इज लिखेंगे एक्स वाई, वन अपॉन सेवन भी एज इट इज लिखेंगे, इसे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी, तो टू मल्टीप्लाई बाय थर्टीन हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय फाइव हो जाएगा माइनस फाइव। फिर देखिए माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टीन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड रो से फर्स्ट यही कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टीन हो जाएगा माइनस थर्टी नाइन, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें नीचे लिखना चाहिए था क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दो रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इसे हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट रो के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे सेकंड रो फॉर्म होगी। देखिए माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री हो जाएगा माइनस थर्टी नाइन, और फाइव मल्टीप्लाई फाइव हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वन अपॉन सेवन, और यहाँ पर है एक्स और वाई, ट्वेंटी सिक्स माइनस फाइव हो जाएगा ट्वेंटी वन, और थर्टी नाइन माइनस ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, माइनस थर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा फोर वन माइनस फोर वन मतलब माइनस फोर्टीन बचेगा। तो यहाँ पर देखिए वन अपॉन सेवन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सेवन से डिवाइड करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पर ट्वेंटी वन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो थ्री बचेगा, और फोर्टीन को करेंगे तो माइनस टू बचेगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई हो गया इज इक्वल टू थ्री और माइनस टू। तो अभी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए बाई इक्वेलिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तो एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो यही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए दोस्तों एक्स की वैल्यू थ्री आ गई और वाई की वैल्यू माइनस टू आ गई। ठीक है, इस तरह से हमें हर एक इक्वेशन सॉल्व करना है, चाहे वो टू बाई टू का हो या फिर थ्री बाई थ्री का हो। ठीक है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसका इक्वेशन हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व द इक्वेशन बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों में से कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, पहला जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशंस। गिवन है हमारा देखिए थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, जेड हम मैं यहाँ पर जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें टू और जेड में डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जेड कुछ जेड और टू में इक्वेशन ही हमें पता नहीं होता है, हम टू की जगह पे बाईस लिख देते टू जेड होगा तो। ठीक है, तो इसलिए जेड आपको भी यहाँ पर इस तरह से ही लिखना है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री, और नेक्स्ट है एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर। ठीक है, हमने जो इक्वेशन है वो एक के नीचे एक लिख गए, मतलब एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड, और फिर जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला मैट्रिक्स होता है हमारा कोएफिशिएंट्स का, तो एक्स के कोएफिशिएंट है थ्री वन टू, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब वन थ्री टू वन, वाई के कोएफिशिएंट है प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू, प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू, जेड के कोएफिशिएंट है टू माइनस वन प्लस वन,
टू माइनस वन प्लस वन, मतलब प्लस वन मतलब यहाँ पर सिर्फ वन ही लिखते हैं हम। अभी यहाँ पर होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल हमारा पहला है एक्स, फिर वाई होता है, फिर जेड। तो एक्स वाई और जेड हमारे ये वेरिएबल हो गए, और इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट है हमारे 3 -3 4, इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अभी इसे हम सिम्बॉल में लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर इन सिम्बॉल में लिखेंगे, पहला होता है हम इसे ए से इंडिकेट करेंगे वेरिएबल के मैट्रिक्स को एक्स से, और ये जो कॉन्स्टेंट होता है उसे बी से। तो हमें एक्स मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को लेफ्ट में रखेंगे तो यहाँ पर बी ए इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा ए इनवर्स, और बी एज इट इज इक्वल इन्होंने इसे हम दे देंगे, ठीक है। अभी देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पर वेरिएबल का मैट्रिक्स है, बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स है, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू पता नहीं है, तो ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मॉड ए बोल सकते हैं, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले चाहिए मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए हम यहाँ पर लिख देंगे। मॉड ऑफ ए मतलब देखिए यहाँ पर इसका मॉड लेंगे मैट्रिक्स ए का, तो यहाँ पर मॉड आ जाएगा 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1, इस तरह से इसका हमने डिटरमिनेंट लिख दिया। और इसके साइन कन्वेंशन में आपको और बता देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से साइन कन्वेंशन होता है। तो इसे हम अभी एक्सपैंड करेंगे, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू पहला हम लेंगे 3 3 इंटू, पहले 3 का साइन है प्लस, इसलिए प्लस 3 इंटू, देखिए यहाँ पर -3 × 1 हो जाएगा -3 -2 × -1 हो जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको पता होगा हमने पहला जो चैप्टर है डिटरमिनेंट उसमें हमने पढ़ा है किस तरह से हमें करना है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में। अभी देखिए हम सेकेंड जो टर्म है वो होता है पहला 1 है, तो यहाँ पर साइन उसका है माइनस, इसलिए हम लिखेंगे -1, और यहाँ पर देखिए फिर उसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एलिमेंट आएंगे 2 -1 1 1, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 -1 × -1 हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा +1। फिर थर्ड है प्लस, यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस, और एलिमेंट है हमारा 2। अभी इसके जो एलिमेंट रहेंगे माइनस रहेंगे वो हो जाएगा 2 -3 1 2, तो देखिए 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 -1 × -3 हो गया -3, माइनस माइनस मतलब +3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, 3 × -3 + 2 हो जाएगा यहाँ पर -1 -1 × 3 हो जाएगा -3। फिर देखिए 2 + 1 हो जाएगा 3 3 × -1 -3, और देखिए यहाँ पर 4 + 3 7 7 + 7 × 2 14, ठीक है। तो देखिए -3 - 3 हो जाएगा -6 + 14, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम ए का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि 0 इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इज नॉट इज इक्वल टू 0, हमारे किस में भी लिख सकते हैं, लिखा तो भी चलेगा, अगर 0 आती है तो फिर हम इसके आगे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको लिखना, लेकिन वैसा नहीं होगा किसी भी इसमें, ठीक है। एक मॉड की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ तो भी आएगी 0 के अलावा, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन में, ठीक है। अभी मॉड ऑफ है, अभी एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई, अभी एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए को फैक्टर्स हमें चाहिए किसके, मॉड ऑफ ए के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे को फैक्टर्स ऑफ मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए की भी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्योंकि माइनस लिखने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे 3 1 2 3 1 2, फिर 2 -3 - 1 2 -3 - 1, और फिर 1 2 1 1 2 1, इस तरह से हमें यहाँ पर ये लिख देना है।
इसके साइन कन्वेंशन तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, C11 फिर ये फर्स्ट रो, सी फर्स्ट रो से फिर यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ पर लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और इसका साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, साइन देने पड़ेंगे। तो पहला होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपको पता है किस तरह से देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। प्लस माइनस लिख देने, 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे हम, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ पर तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या बचेंगे, -3 -1 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -3 -1 2 1, ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है साइन का, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2, तो यहाँ पर माइनस साइन होता है इसीलिए माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। अभी देखिए सेकेंड में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इलेवन बचेंगे 2 -1 1 1, ठीक है, 2 -1 1 1, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 -1 1 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर माइनस साइन इसलिए ब्रैकेट देना पड़ेगा, बाहर माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए 2 + 1 हो जाएगा 3, और बाहर माइनस साइन इसलिए -3 आंसर आ जाएगा। अभी देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखिए यहाँ पर ये, तो इसकी रो और उसके कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे एलिमेंट 2 -3 1 2, ठीक है, 2 -3 1 2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 -3 1 2 इज इक्वल टू, तो ठीक है, प्लस साइन है बाहर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस यहाँ पर +3, तो हो जाएगा 7, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो एलिमेंट क्या बचे 1 2 2 1, तो ठीक है 1 2 2 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 2 1 इज इक्वल टू, माइनस साइन है बाहर माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 - 4 हो जाएगा -3, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +3। फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड और सेकेंड कॉलम, सेकेंड और सेकेंड कॉलम यहाँ पर देखिए ये हो गया, इसका रो और ये कॉलम कैंसिल कर देंगे जिस रो में एलिमेंट आता है, तो बचेंगे यहाँ पर एलिमेंट 3 2 1 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 2 1 1, 3 2 1 1, तो प्लस साइन है कोई दिक्कत नहीं है साइन का, 3 मल्टीप्लाई 1 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। अभी देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये है और थर्ड रो भी यही है, तो ये और ये कैंसिल कर देंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर बचेंगे एलिमेंट 1 2 -3 -1 1 2 -3 -1, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 2 -3 -1, ठीक है। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -1, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा -6, तो -6 हो रहा है यहाँ पर, -+6 हो जाएगा, अपोजिट साइन ने डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 6 - 1 हो जाएगा 5, 6 बड़ा है इसलिए +5, ठीक है। अभी देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 2 2 -1, 3 2 2 -1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम
थ्री टू टू माइनस वन, माइनस साइन बाहर है इसलिए माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर माइनस थ्री, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा यहाँ पर फोर। तो देखिए माइनस फोर माइनस थ्री हो जाएगा माइनस सेवन, और माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इसलिए प्लस सेवन हो जाएगा। अभी लास्ट एलिमेंट है थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट है थर्ड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा थ्री वन टू माइनस थ्री, ठीक है। तो ये एलिमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे थ्री वन टू माइनस थ्री, थ्री वन टू माइनस थ्री, ठीक है। अभी देखिए बार प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है साइन का, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री हो जाएगा माइनस नाइन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन हो जाएगा टू, तो माइनस नाइन माइनस टू हो जाएगा माइनस इलेवन, ठीक है। अभी हम नीचे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया था सेकंड और थर्ड कॉलम का, वो भी कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थ्री वन वन टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री वन वन टू, ठीक है। इसके एलिमेंट हम भूल गए नीचे था थ्री वन वन टू, माइनस साइन है माइनस साइन लिखेंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा सिक्स, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन सिक्स, माइनस वन फाइव, और इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा माइनस फाइव। अभी देखिए मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स इज इक्वल टू, हम इसे पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम में, इस तरह से लिखने आपको। तो देखिए यहाँ पर माइनस वन माइनस थ्री सेवन, माइनस वन माइनस थ्री सेवन, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस वन माइनस थ्री सेवन, फिर थ्री वन माइनस फाइव, सेकेंड रो है थ्री वन माइनस फाइव, और थर्ड रो है फाइव सेवन माइनस इलेवन, फाइव सेवन माइनस इलेवन। तो देखिए फाइव सेवन माइनस इलेवन, ठीक है। अभी हम एडजॉइंट हमें निकालना है, तो एडजॉइंट का होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ को वेक्टर्स, मतलब पी का ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज करेंगे, पहला रो है माइनस वन माइनस थ्री सेवन, तो इसको कॉलम कर देंगे माइनस वन माइनस थ्री सेवन, सेकेंड रो है थ्री वन माइनस फाइव, तो कॉलम कर देंगे इसको थ्री वन माइनस फाइव, थर्ड रो है फाइव सेवन माइनस इलेवन, तो ये थर्ड कॉलम करेंगे फाइव सेवन माइनस इलेवन। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए दोस्तों अभी एडजॉइंट ए मिल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो इक्वेशन टू है इक्वेशन टूल्स में वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इक्वेशन टू लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन टू, तो यहाँ पर इक्वेशन टू लिख देता हूँ माइनस वन ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपन मॉड ऑफ ए क्या होता है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एट वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एट और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमारा मैट्रिक्स हमारे सामने माइनस वन थ्री फाइव, माइनस थ्री वन सेवन, सेवन माइनस फाइव माइनस इलेवन, ठीक है। इस तरह से हमारा ए आ गया दोस्तों, ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अभी देखो देखो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इक्वेशन टू हमें मिल गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई। तो अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन वन है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन ए एक्स इज इक्वल, सॉरी एक्स इज इक्वल टू बी नहीं है, देखिए हमारा ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है। तो x मतलब हमारी वेरिएबल यहाँ पर कौन से x y और z है, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, देखिए वन अपॉन एट इन मैट्रिक्स, माइनस वन थ्री फाइव, माइनस थ्री वन सेवन, सेवन माइनस फाइव माइनस इलेवन, और इंटू b। तो b मैट्रिक्स मतलब कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए थ्री माइनस थ्री फोर, तो यहाँ पर लिख देंगे d की वैल्यू थ्री माइनस थ्री फोर, देखिए थ्री माइनस थ्री फोर, एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है बराबर है। अभी हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए लेफ्ट में तो हमारा है x, y और z इज इक्वल टू वन अपॉन एट। अभी क्या करेंगे दोस्तों हम,
यहाँ पर जो दोनों मैट्रिक्स है इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -3 हो जाएगा यहाँ पर -3, 3 × -3 हो जाएगा -9 और 5 × 4 हो जाएगा यहाँ पर +20, ठीक है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट रो फॉर्म करेंगे, अभी सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 3 हो जाएगा -9, 1 × -3 हो जाएगा -3 और 7 × 4 हो जाएगा 24। अभी थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 हो जाएगा 21, -5 × -3 हो जाएगा यहाँ पर +15 और -11 × 4 हो जाएगा यहाँ पर -44। देखिए यहाँ पर फिर x, y और z इक्वल टू 1/8 इन ब्रैकेट, तो -3 − 9 हो जाएगा -12, -12 + 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर देखिए -9 − 3 हो जाएगा -12, -12 + 24 हो जाएगा यहाँ पर 12। और फिर देखिए 21 + 15, 21 + 15 हो जाएगा हमारे यहाँ पर देखिए 36, 36 − 44 तो यहाँ पर बचेगा -8, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ही हमें यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हुई शायद हमारी लिखते वक्त एलिमेंट की, तो देखिए यहाँ पर 7 × 4 = 28 होना चाहिए, तो मैंने 24 लिखा है तो ठीक है यहाँ पर 28 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 × 28 तो यहाँ पर बचेंगे 16 बचेंगे, यहाँ पर 12 नहीं 16 बचेंगे, ठीक है। अभी देखिए 8 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 और ये -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड का मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो बाय हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 और जेड की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमें इस तरह से वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यूज हमें इस तरह से फाइंड आउट करनी थी, देखिए एक्स की वैल्यू, ये होगी वाई की वैल्यू और लास्ट में होगी जेड की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इक्वेशन है, बाकी सारे इक्वेशन इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन आपको कुछ शुरुआत की चीज़ें कर देता हूँ, फिर बाकी आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। जब भी आप सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद तो मुझे आप आंसर बताना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है, या फिर आपके निराली बुक का जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो उसी टाइप का एग्जांपल है, कुछ भी अलग चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। तो लेकिन हमें जो इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 2x + y = 3, 2y + 3z = 4 और 2z + 2x = 8, तो इसे हमें प्रॉपरली इसके फॉर्म में लिख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए गिवन, तो लिखते वक्त ध्यान में रखना कि पहले x फिर y फिर z लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन है 2x + y = 3, तो हम इसे लिखेंगे 2x + y, यहाँ पर z नहीं इसीलिए हम लिखेंगे 0z = 3, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म नहीं होंगी उसे हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 0 होती। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0x, फिर y की वैल्यू है +2y और z की वैल्यू है +3z = 4, ठीक है। सॉरी, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले x लिखेंगे +2x, ठीक है। फिर देखिए y की वैल्यू नहीं इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 0y और प्लस जेड है यहाँ पर +2z = 8, तो मैं यहाँ पर इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर पहले हम कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो एक्स का कोएफिशिएंट है 2 0 2, वाई के कोएफिशिएंट है 1 2 0 और जेड का कोएफिशिएंट है 2 3 2, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल है x, y, z, ठीक है,
और इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 3, 4, 8, ठीक है, इस तरह से। तो हमें इसे सिम्बॉल में अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे इन सिम्बॉल ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हम ए इनवर्स बी लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन वन दे देंगे इसे। अभी देखिए दोस्तों ए इनवर्स हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से हमें इक्वेशन टू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और लास्ट में जो आंसर आना है मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तो अब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।